Assalamualaikum, welcome back to my new vlog. तो guys अभी बज रहे हैं तकरीबन 12:15 हो रहे हैं। वैसे मैं तो सुबह को उठा हूँ, vlog अभी start कर रहा हूँ। तो कोको का अंडा देखने के लिए कोको ने इतना अंडा दिया तो वो लेके आके मैंने रख दिया। तो बार बार मैं आपको अंडे वगैरह देते हूँ, मैं तो बस आपको बता दिया कोको का अंडा बड़ा नहीं हो रहा, कोको का अंडा वही है जो कोको दे रही है। तो खैर आज अभी दूसरी मुर्गी ने अंडा देना तो वो भी जाके देखेंगे। तो माशाल्लाह वो अंडे ठीक दे रही है। तो बाकी लिस्ट बना ली थी तो लिस्ट अभी बनी है, तकरीबन 15 चीज़ों की बनी है या 16 चीज़ों की बन गई है। तो अभी और भी चीज़ें अभी मेरे जहन में आई नहीं रही, तो मौके पे देखेंगे फिर मौके पे चौका लगाएंगे। वैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैं भूल सकता था वो मैंने लिख ली हैं, तो वो इंशाल्लाह वो नहीं भूलेंगे। बाकी जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम अभी 50-50 है। अगर हो बन गया तो जाएंगे, अगर नहीं बना तो फिर नहीं जाएंगे। अभी 50-50 चल रहा है हमारा प्रोग्राम, तो देखेंगे। वैसे भी हमने जाके देखनी थी बर्फबारी, तो जो फोरकास्ट आ रहा है तो वो फोरकास्ट हमारे जो ट्रिप का दौरान ही है, तो उसके दौरान सूरज निकला हुआ है या तो फिर हल्के फुल्के से बादल हैं, बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है। तो कोई नहीं, खैर हमने तो जाना है इंजॉय वगैरह करने के लिए, तो वो करेंगे। कमरे में मकड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो जाला है तो वो फटाफट बना देती हैं। तो कहा थोड़े दिनों पहले मैंने साफ किया था, फिर जाला बना दिया यहाँ पे। घर में जो है आटा भी खत्म हुआ, तो आटा के लिए दाने भी निकालने हैं, दाने फिर चक्के पे पिसवाने के लिए देने जाने। तो यहाँ से आटा अपना जो है दाने निकाल लेते हैं यहाँ से। जाने लगा हूँ अपने न्यू मकान की तरफ, तो वहाँ लग रहा है आज गेट, तो वो गेट लगवाते हैं जाके और देखते हैं। गेट हमारा लग चुका है, तो हमने लगवाया सिंपल सा गेट है लेकिन प्यारा लग रहा है यार, काफी ज्यादा मैं सिंपल समझ रहा था, उस गेट से ज्यादा अच्छा लग रहा है। घर से अभी तेले कहते हैं वो कुंडो वगैरह को लगा रहे, तो वो कह रहे हैं घर से लेके आओ। तो खुला ही था दरवाजा, ये लेते हैं तेल। मैं भी देखूं वॉशरूम को टाइल्स वगैरह लगी थी तो किस तरह की लग रही हैं टाइल्स। तो ये टाइल्स अभी अंधेरा ना, तो आप अच्छे से अंदाजा नहीं होगा। तो ये जी वॉशरूम पे टाइल लगी हुई है, अभी दूसरी वॉशरूम में भी लग रही है, तो देख लेते हैं। अच्छी लग रही है, तेल दे दिया है, तो अभी चलते हैं घर। कहते अभी हमारा प्रोग्राम बनाया है गाँव जाने का, तो चाचू के घर, तो कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए, तो चले चलते हैं गाँव। और गाड़ी हमारी है तो उसका कपड़ा उठा के तो निकालते हैं गाड़ी बाहर। दाने भी मैंने निकाल के रख दिए थे, तो शाम को वापस आके इंशाल्लाह ताला फिर चक्की पर देने जाएंगे। अभी चक्की जो है बंद होगी। चलें जी गाइस पहुंच गए हैं गांव। ये जी न्यू एडिशन हुआ है इनकी फैमिली में, ओए उसका बेबी है ये, मेरे ख्याल इसका ही बेबी है। तो हार नहीं लगाने देंगे, मुझे गुस्सा चढ़ गया उसे। ओ चक्रे मुर्गा कहाँ पे चढ़ा हुआ है चाचू का। एक मुर्गी यहाँ पे घूम रही है और बाकी मुर्गियाँ जो वहाँ पे चढ़ी हुई हैं, और इसे मुझे लग रहा है मुझे गुस्सा चढ़ गया इसे मुझे देख के। अभी देखना है वो चक्र चक्र चक्र, ये देखना देखना गुस्सा चढ़ गया उसे मुझे देख के। अरे बेबी 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 उसे गुस्सा चढ़ गया। अच्छा मैं जा रहा। अरे इधर आओ मेरे पास, इधर तो आओ, मैं जा रहा बस एक मरतबा। अच्छा ठीक, भैंस का गुस्सा चढ़ गया मेरी तरफ, मैं जाने लगा यहाँ से, कहीं बहुत संगली ना अपनी तोड़ा ले। नहीं मैंने नहीं मिलना, मैं इससे मिलने लगा हूँ, इससे ये डोगी कहाँ पे बोल रहा है, एक यहाँ पे बांधा हुआ है। आए गन्नों वाली ट्राली है ये जाने लगी, अभी लोड ही की है इन्होंने, तो अभी लेके जाने लगे, देखते हैं कैसे चलती है यहाँ से। अभी चलते हैं जरा घूम फिर के आते हैं। यहाँ पे फिर रहा है करा कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, ट्रैक्टर घूम रहा है यहाँ पे।
ये सारे जो है हमारे खेत हैं, तो यहाँ पे मेरा ख्याल गंदम जो है वो उगा दी गई है, लेकिन वो हमारा कमाद जो है वो लगा हुआ है, तो वो वहाँ पे चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। आधा कमाद जो है ना हमारा वो इन्होंने कहते हैं काट दिया, और आधा नहीं काटा। ट्राली आनी थी आज गन्नों वाली, वो भी अभी तक आई नहीं है, तो मेरे ख्याल मुझे कोई वादे वगैरह दे रहा नहीं। गन्नों वाली ट्राली अभी आनी थी तो अभी आई नहीं है, लेट हो गई है, नहीं तो वो मैंने आपको वो भी दिखानी थी कि किस तरह ना गन्नों की ट्राली जो है वो लोड करते हैं। यहाँ पे इंटर कैसे होनी थी वो भी देखनी थी, यहाँ पे इंटर कैसे होते हैं गन्नों वाली ट्राली लेके। वो सामने कमाद है, तो यहाँ से चलते हैं पहले। ये रास्ता है, इधर से आ सकते हैं गन्नों वाली ट्राली। अभी देखते हैं कोई गन्ना अच्छा सा मिलता है। ये हमारा कमाद, तो गन्ने जो है ना वो काट काट के, तो ये जो होता है ना गन्ने का छिलका, उसके अंदर ही वो कर देते हैं, छुपा देते हैं ये इसके अंदर है ना, गन्ने गन्ने होंगे। तो ये मेरा ख्याल जानवरों से बचाने के लिए करते हैं सारा कुछ। तो देखते हैं कोई अच्छा सा गन्ना यहाँ से मिल जाए। गन्नों की भी ना मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, तो ये जो किस्म लगवाई हुई ना, तो इसको गीदड़ नहीं पड़ता और चूहे वगैरह नहीं पड़ता। अगर मीठा गन्ना लगवाया हो तो उसे ना गीदड़ भी बहुत पड़ते हैं और चूहे वगैरह भी ना सारा जो फसल है वो ख़राब कर देते हैं। इसलिए ना ये जो यहाँ पर हम कमाद जो है उगाते हैं, तो ये सख्त छिलके वाला होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बारीक और सख्त होता है। यहाँ से खड़े होकर ना सनसेट से देखने का अपना ही मजा आएगा, हरियाली हरियाली हर तरफ। यहाँ पे लहसुन वगैरह होगा और मूलियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, मूलियाँ तो अभी छोटी लग रही हैं, तो ये सारा जो है ना लहसुन ही उगा हुआ है। चले गए तो अभी चलते हैं हम वापस। अगर तो मेरे यहाँ पे होते हुए अगर ट्राली आ गई तो आपको ट्राली लोड होते भी दिखाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है लेट हो जाएगी ट्राली। काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह गुजर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आज गन्नों का सीजन चल रहा है ना, आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं ट्रैक्टरों की। अभी चलते हैं वापस। वहाँ से आया था मैं और इधर से चलते हैं वापस। बस मैं पानी में ना गिर जाऊँ, कपड़े सारे मेरे गंदे हो जाने हैं। चलो भाई ट्राली आ गई है, जो है हमारी पहुँच चुकी है। तो अभी तायाबू भी आ रहे हैं, चाचू जी भी आ रहे हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो ट्राली को लोड करवाते हैं यहाँ से। अभी ट्रैक्टर वाला जो है ना ट्राली के लिए रास्ता जो है वो सीधा कर रहा है, बार बार आगे पीछे करके ना, चलो अब निकल चुका है। बड़ी मदद में आ गया। ये तायाबू बता रहे हैं कि ये जो कमाद है ना, तो तायाबू और चाचू जी दोनों ने जो है काटा। लेबर आ गई है, तो अभी ये ट्राली को लोड करने लगे हैं। अशीर तू की करने चला है, वो देखी पैरा तेरा लवा ली कहते चला है, चल आ जा फिर, आ जा आ जा, थकता नहीं गया, चल फिर अज गन्ने तू कट रहे हैं, राम राम ना जा डेगना जाई, चल मैनू बढ़ा दे कुहारी मैनू दे दे, छड़ दे, चल 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 आ जा, चल इधर आ जा, और डिग जा भारी कई भारी है। किधर जा रहे हैं, लाता क्या बात है पहलवान। अभी मैंने तायाबू से पूछा था कि गन्ने के ऊपर छिलका क्यों चढ़ाते हैं, तो वो तायाबू कह रहे हैं कि सर्दी की वजह से गन्ना ना खराब होने का खतरा होता है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है छिलका चढ़ा देते हैं, नहीं तो गन्ना जो है सूख जाता है। ट्राली भी तकरीबन हाफ जो है लोड हो चुकी है, अभी तकरीबन घंटा और लगेगा, इंशाल्लाह ताला पूरी लोड हो जाएगी। चाचू जी यहाँ पे ट्राली के लिए रास्ता जो है वो सीधा कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे अभी जो आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ तो ये कुत्ता भौंक रहा है जो चाचों के घर के पास ही है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं, या फिर ट्रैक्टरों की आवाज़ें आ रही हैं, और कोई आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे, पुरसकून माहौल है। ओए गर्मी बैठ के सुकून आया, बाहर तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है भाई। अभी गाड़ी का हीटर भी ऑन करते हैं। चले जी गाइस पहुंच गए हैं घर। आज हमारी एक मुर्गी ने अंडा नहीं दिया था, वो देख लेते हैं अंडा दे दिया है कि नहीं दिया, और थोड़ी सी खुराक वगैरह उन्हें डाल देते हैं। अभी वैसे सो रहे होंगे, तो एक साइड पे लग के सो रहे हैं, तो देख लेते हैं अंडा वगैरह दिया है कि नहीं दिया आज।
आज सिर्फ कोको ने एक अंडा दिया तो दूसरी मुर्गी ने आज के लिए अंडा नहीं दिया, तो इंशाल्लाह सुबह फिर देगी, सुबह फिर कोको नहीं देगी, फिर सुबह दूसरी मुर्गी देगी, या दोनों देंगे देखेंगे। ये क्या हो गया यार, ना कीबोर्ड चल रहा है और ना माउस चल रहा है, दोनों चीज़ें नहीं चल रही, ना कीबोर्ड चल रहा है कोई लड़ नहीं और ना ही माउस चल रहा है, तो पता नहीं क्या हो गया कंप्यूटर। पहले इसकी पिछली यूएसबी पोर्ट थी वो खराब हो गई थी, तो आगे आ गया था तो आगे वाली एक खराब थी एक चल रही थी, अब लग रहा है दोनों ही खराब हो गई हैं। और कंप्यूटर आज मैंने व्लॉग अभी एडिट करना था तो पता नहीं अब एडिट हो ही नहीं सकेगा, मोबाइल पे करूँगा। अभी से लेके चलते हैं बाजार और दिखाते हैं, अगर तो दुकान खुली है तो दिखाते हैं ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं तो मोटा खर्चा मेरे ख्याल में पड़ने वाला है मुझे। चलें अभी दिखा के आते हैं कि क्या मसला है इसे। तो हमारा तो हो गया है पोपट, तो हमारा कंप्यूटर जो है वो खराब हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि मदरबोर्ड में कोई इशू है, तो कंप्यूटर उनके पास रखवा दिया है, तो हार्ड डिस्क जो थी वो मैं लेके आ गया हूँ। तो आज काम करना था, ब्लॉग वगैरह एडिट करना था, तो आज अपना लैपटॉप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है लेकिन कोई नहीं, गुजारा फिर करना पड़ेगा, तो इसके साथ ही करते हैं गुजारा आज। चलें जी, लैपटॉप हमारा ऑन हो गया है और यहाँ पे स्क्रीन भी ऑन हो गई है और कीबोर्ड वगैरह सब कुछ ऑन हो चुका है, तो अभी बैठ के व्लॉग वगैरह एडिट कर लेते हैं। फाइनली गाइस हमारा व्लॉग जो है एडिट हो चुका है और बस दुआ ये है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो कल हल्के में ठीक हो जाए, ज़रा पैसे ना मांगे, क्योंकि कल इंशाल्लाह परसों इंशाल्लाह हमारा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। तो ये व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।